हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगी। तो आज की वीडियो में आप देख रहे हैं मिस रोज़ की एक नई प्रोडक्ट और इसी का मैं रिव्यू आज आपके साथ शेयर करूंगी और आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये है क्या और ये क्या भला है। तो गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये क्या चीज़ है। मिस रोज़ का ये ऑयल कंट्रोल पावर बेस मेकअप है और ये मतलब ये कि ये एक फाउंडेशन है, नई इसकी पाउडर फाउंडेशन आई है और ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है पाउडर फाउंडेशन और ये इन्होंने क्लेम किया है कि ये वाटर प्रूफ है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये होगी इस वीडियो की कि समर के अकॉर्डिंग ये वाकई वाटर प्रूफ है या नहीं है, इसका रिज़ल्ट कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग होगी या नहीं होगी और इसकी वर्थ बाइंग कैसी है, इसकी प्राइस कैसी है। तो आज की वीडियो में यही डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूं। ये वाइट कलर की इन्होंने पैकेजिंग बनाई है, 3D फॉर्म में है, यानी कि ये आपको 3D रिज़ल्ट देगी और इसमें शेड है जी आइवरी, जो कि मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मंगवाया है और ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग है और इन्होंने बाकी सारी इसकी डिटेल मेंशन की है कि ये बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा आपको लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट देगी, कवरेज बहुत अच्छी होगी। तो अब जल्दी से अप्लाई भी करके देख लेते हैं कि वाकई इसकी कवरेज है या नहीं है। और इसका ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है 153, आइवरी शेड है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी पैकेजिंग तो बहुत प्यारी नज़र आ रही है, क्यूट सी, आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो क्योंकि मैं खुद जो है फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की है पाउडर फाउंडेशन, तो मैंने पहले इसको मैंने टेस्ट किया था, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ साथ। पैकेजिंग ऐसी है जैसे कि लूज़ पाउडर की मोस्टली होती है। तो ये कि बिल्कुल सेम वही शेड है आइवरी, जो कि मुझे पसंद है और जो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल मैच करता है। ये आपको बताऊंगी कि ये वर्थ बाइंग कितनी है, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो मैं आगे आपको फर्दर बताती हूँ। तो गर्ल्स, इस बेस को बनाने के लिए पहले मैंने आपको इसको ओपन करके दिखाया कि इसके अंदर क्या भला है और पाउडर फाउंडेशन कैसी है। जो दूसरा हमारा स्टेप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितनी इसकी क्वांटिटी लेनी है, आपको फेस के अकॉर्डिंग कितनी चाहिए और उसमें फिर आपने क्या चीज़ ऐड करनी है जिससे आपकी एक फ्लॉलेस, जैसे कि उन्होंने क्लेम किया, एक वाटरप्रूफ बेस बनेगी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी उन्होंने चीज़ें तो बताई हैं कि आपने बेस जितनी आपको ज़रूरत है इतनी आप ले लेंगे, लेकिन बस मैं इतनी सी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाफ स्पून मैंने ली है, ये मेरे पास टीस्पून है और हाफ स्पून मैंने ली है बेस। इसकी पैकेजिंग ये देखें, ये फिक्स है। तो यहाँ से इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई करके आपको बताती हूँ। मिक्सिंग के लिए मैं पानी इसके अंदर थोड़ा सा पहले ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। अब हम इसको ब्रश से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बात आपने वो याद रखनी है गर्ल्स के, आपने इसको जब मिक्स करना है तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि कोई आपका पार्टिकल रह ना जाए, ऐसे पैची पैची ना बने। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो गर्ल्स, अब हमारी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो गई है, आपने बहुत ज़्यादा भी इसमें पानी नहीं ऐड करना ताकि वो एक पतला सा बिल्कुल आपका एक पेस्ट बन जाए, और ना कि आपने इतना ज़्यादा भी नहीं ऐड करना कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक पेस्ट बन जाए। तो आपने ये इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स किया, मैं आपको इसे स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आप अप्लाई करेंगे। जी, अब मैंने अप्लाई इसको कर लिया, अब मैं वेट करती हूँ कि ये कब ड्राई हो, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। ओके, तो गर्ल्स, जो मैंने अभी बेस अप्लाई की है तो वो भी ड्राई हो गई है। आप देखें कि ड्राई होने के बाद आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ज़ाहिर बात है ऐसे छोड़ेंगी तो ये बहुत बुरी लगेगी। तो इसका एक ट्रिक होता है, एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर अप्लाई करने का। तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। अब आपने लेना है अपना ब्यूटी ब्लेंडर, तो ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, यानी कि आपने जो हमारी पैची पैची हमारी हो जाएगी फाउंडेशन, तो उसकी उसको अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने पूरे हाथ से बेस को सेट कर लेना है, जहाँ पर लगे कि ज़्यादा कुछ पैचीज हैं, जहाँ पर आप ब्लेंडर से सेट नहीं कर सकते वहाँ पर आप इसे अपने हाथ से सेट करेंगे, फिंगर से सेट करेंगे,
और जो पैचेस वगैरह होंगे वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये कि अब मुझे इसका ये आइडिया नहीं है कि ये कितनी देर तक स्टे करेगी, क्योंकि जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मैंने इसको सिंगल अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि जो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो वो जब पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो बेस हमारी अपनी स्किन से हटना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं देती। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप इसको सिंगल यूज़ करेंगी तो आपको ये बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और ये ग्रे भी हो जाएगी, अपनी जगह से हट भी जाएगी और वाटरप्रूफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको थोड़ा रिज़ल्ट दे दे, थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे दे, जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया था, तो आपने इसको अप्लाई करने के बाद सारी अपनी सेटिंग के बाद सेट इसको करके फिर आपने क्या करना है, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद इसको आपने फ़िक्स कर देना है, यानी कि आपने अपनी बेस को सेट करके फ़िक्स करना है। जब आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा अप्लाई करते हैं तो आपकी बेस जो है वो जो है लॉक हो जाती है, अपनी स्किन से हटती नहीं है, तो उससे यह है कि फिर आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। मेरी जो अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है उसमें मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप मिस रोज़ का ये ऑयल कंट्रोल और वाटर प्रूफ बेस लें, पाउडर बेस लें, क्योंकि ये आपको उतने ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपने फिर कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर अप्लाई करना। तो गर्ल्स, अगर आपने मिस रोज़ का ये पाउडर फाउंडेशन यूज़ करना ही करना है, अगर आपके पास है तो आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन यह कि यह आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है, आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए। मेरे पास जैसे कि एक ट्रिक है कि मैंने जब इसको अप्लाई किया तो मैंने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अप्लाई किया, और आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है तब भी बेस्ट है, वो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि समर का सीज़न है तो अगर आप इसके ऊपर पैनकेक अप्लाई कर लेती हैं उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, तो वो बेस्ट है, आपकी वाकई जो बेस है फिर लॉक हो जाएगी, फिर उसके ऊपर आप कोई लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगी तो आपकी बेस जो है वो सारा दिन तक स्टे करेगी। तो अब मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता दूं, प्राइस इसकी है जी तकरीबन, मैंने इसको 250 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया है, द्रास से मैंने लिया था, लेकिन मुझे मतलब इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले और मैं इससे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो मेरी तरफ से जो अगर गर्ल्स लेना चाहती हैं तो वो बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर जिन्होंने ले लिया तो फिर मैंने आपको मेथड इसका बता दिया कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगी। तो आई रियली होप्स ओके आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और साथ लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। तो गर्ल्स, अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ चाहती हैं और अफोर्डेबल चीज़ों के साथ आपको रिव्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी हाई एंड ब्रांड्स की भी वीडियो मिलेंगी और अफोर्डेबल ब्रांड्स वो भी उसकी भी वीडियो आपको मिलेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।